मारा राम जी, मैं हूँ थारी बाबो। आज तो मुझे ना ही संध्या की टेंशन है और ना ही कनक की चिंता। आज तो मैं नीलू वाघेला बनकर अपने बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती करूँगी, वो भी सास बहू और बेटियाँ के साथ मिलकर। करूँगी एक अनोखा डे आउट जहाँ मैं डांस करूँगी, अपना घर घुमाऊंगी, अपना बाथरूम भी दिखाऊंगी, अपने पति के साथ वीडियो कॉल भी करूँगी और तो और उसके बाद जाऊंगी क्लब एक्वेरिया जहाँ पर मैं मॉनसून के मजे उठाऊंगी, अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलूंगी, कैरम खेलूंगी और हाँ बहुत अच्छा लंच भी करूंगी। तो आज आपकी दोपहर सास बहू और बेटियाँ और मेरे साथ। अपने बेटे और बेटी के साथ डांस करती भाबो, अपने घर का टूर कराती भाबो, अपनी रियल जिंदगी से सभी को रूबरू कराती भाबो और अपनी फैमिली के साथ देखिए कैसे बिंदास होती भाबो। भाई पर्दे की कड़क सास भाबो रियल लाइफ में एक बेहद ही जिंदा दिल इंसान है जो अपनी बेटा और बेटी के साथ मुंबई में रहती है। पिछले 5-6 सालों से भाबो कभी दिया और बाती हम और फिर तू सूरत में सांझ पियाजी की शूटिंग के कारण बहुत ही बिजी थी, लेकिन अब ये दोनों सीरियल खत्म हो गए हैं इसलिए भाबो यानी नीलू वाघेला आजकल फ्री है और है वेकेशन मोड में, इसलिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और साथ साथ सास बहू बेटिया के साथ मिलकर अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा डे आउट करेंगी जहां भाबो का बिंदास अंदाज नजर आएगा। भाई ऐसा अंदाज जो कभी उनके सीरियल्स में भी आपको नहीं दिखा होगा और दिखेगा तो सिर्फ सास बहू और बेटिया में, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं आपके सितारों की रियल जिंदगी। तो कैसी होती है नीलू वाघेला की लाइफ, हंसते खेलते अपनी फैमिली के साथ कैसे वो बिताती है दिन, ये जानने के लिए हम सुबह सुबह पहुँचे नीलू वाघेला के मुंबई वाले घर में, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माई हाउस। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। हाँ बिल्कुल, ये है वंशिका, ये है केजर। जस्ट हम आए हैं वैकेशन से, आफ्टर 7 इयर्स के बाद मुझे वैकेशन टाइम मिला, क्योंकि आप सब जानते थे कि दिया और बाती हम उसके बाद तू सूरज में सांझ पियाजी में बिजी होने के कारण मैं वैकेशन नहीं ले पाई थी बच्चों के साथ में, क्योंकि 2 दिन और 3 दिन की छुट्टी वैकेशन के लिए काफ़ी नहीं होती है। इस बार हम लोग 15 डेज के लिए आउट थे दुबई में, वी जस्ट केम बैक एंड we are plan in a vacation mood with saas bahu betiya। हमेशा हंसती और खिलखिलाती भाबो रियल लाइफ में है एक माँ भी जो अपने दोनों बच्चे वंशिका और केजर के साथ मुंबई में रहती हैं और देखिए कैसे अपने घर में हंसते खेलते डांस कर रही हैं। भाई सुबह की शुरुआत अगर ऐसे डांसिंग स्टाइल में हो तो पूरा दिन बड़ा ही अच्छा बीतता है। वैसे इनकी फैमिली तो है डांसिंग फैमिली, यहाँ तक कि इनका डॉगी भी डांस करता है। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। नीलू वाघेला हाल ही में एक लंबी वेकेशन के बाद लौटी हैं और अपने घर को नई नई चीजों से सजाया है। तो चलिए मिलते हैं नीलू वाघेला की फैमिली और उनके घर का लेते हैं एक टूर। तो हमारा जो हाउस है यानी मतलब जो प्यारा सा घर है भाबो का, वो भी वेकेशन मूड में ही है। देख सकते हैं आप सारे बॉल्स और ये सब कुछ यही है। जो नाश्ता होता है वो भी इसी तरीके से हमने सब डंप कर रखा है। इसे भी फील होना चाहिए कि वैकेशन मूड चल रहा है। ये है मेरा हॉल, यहाँ सेटिंग है, यहाँ बच्चे लोग बैठते हैं। सो केजर, अपने रिजल्ट के बारे में भी बताओ, कैसा रहा? अभी पूरा एसएससी बोर्ड के लिए तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, तो इसके लिए तो थोड़ा सा नया भी था। 70% रिजल्ट था, खुश हूँ मैं तो उसमें। थैंक यू वेरी मच, रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत खुश है, मम्मी पापा दोनों बहुत खुश है, तो बस मेरे लिए तो उतना परसेंटेज बहुत है।
यस यस, बिकॉज देखिए इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था. मम्मी और पापा दोनों वर्किंग है और दोनों काम करते हैं, तो मैं उन सब के लिए कहूँगी जो माएँ और जो पिता जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों की खुशी में खुश रहें. एंड ही डिड इट, तो आई सल्यूट हिम, गॉड ब्लेस हिम, आगे बढ़ता रहे. इसने अकेले की मेहनत है ये. हाँ, मैं अपने बेडरूम में भी लेके जा रही हूँ, ये भी वैकेशन मूड में है और बिल्कुल इसी तरीके से ही है. और काफ़ी कुछ तो मैंने सही किया है, चल रहा है कामकाज. ये मेरा वार्डरोब है, इसका वैकेशन मूड थोड़ा कम है क्योंकि चल रहा है कामकाज. सी एवरीथिंग लिटिल बिट ठीक है, काफ़ी कुछ सही है, इतना कुछ वो नहीं है. हाँ बिल्कुल दिखाऊंगी, लेकिन मैं जो लाई हूँ कलेक्शंस वहाँ से दुबई से एवरीथिंग बहुत है, काफ़ी कुछ समेटे हैं मैंने. मैंने मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे सॉलिटेयर और ये वो भी लाई हूँ, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको. थोड़ा वेकेशन मूड है, चल रहा है घर का. आइए मेरा वार्डरोब देखिए भाभो का, जिसमें साड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, वेस्टर्न क्लोथ से दिखाई देंगे. ये है मेरा ज्वेलरी अपार्टमेंट जहाँ पे भगवान की फ़ोटोज़ भी रहती है एंड रक्षाबंधन, बिकॉज आई लव माई ब्रदर, एवरीबडी मस्ट बी लविंग. और ये आई बॉट इट फ्रॉम दुबई. नीलू को हमेशा अपने भावों के किरदार में देखा है गहनों से लदे हुए साड़ी में, लेकिन आज देखिए जीन्स और टी शर्ट में तो नीलू जी को पहचानना मुश्किल है. वैसे रियल लाइफ में भी उन्हें गहनों का शौक है और उनकी अलमारी में देखिए कैसे खूबसूरत गहने हैं. तो देखिए भाभो यानी नीलू वाघेला का रियल लाइफ ज्वेलरी कलेक्शन. भाभो को तो ज्वेलरी से शौक है, मतलब ऑन रील भी ऑफ रील भी हर लेडीज को होता है. सो आई हैव गॉट नाइस कलेक्शंस ऑफ ज्वेलरीज. This is for my daughter. I bought it for her. It's like this. Yeah. वैसे छोटे हाथ होने का काफ़ी फ़ायदा है. मेरी बेटी यही बोलती है कि देखो मम्मा लेती आप मेरे लिए हो, लेकिन खुद पहन पहन के जाती हो. So these are the things. I love jewelries and I think हर ladies का शौक jewelries लेती होगी, तो I really got nice collections. और मेरे फैंस को पता चलना चाहिए कि मैं जैसी संस्कारी, मतलब ऑन रील हूँ, ऑफ रील भी वैसी ही हूँ. मैं अपने घर को संभाल के रखती हूँ, बट थोड़ा बहुत अभी क्योंकि अनपैकिंग चल रही है तो थोड़ा सा वैकेशन मूड में हूँ मैं. प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो. एक कलाकार होने के साथ साथ नीलू एक माँ है और एक गृहिणी भी है, और इनके घर पे सजी हुई चीजों का क्या कहने. फिर चाहे वो उनके फैंस के तोहफे हो या फिर हो उनका फैमिली एल्बम, नीलू ने अपने घर को बड़े ही मन से सजाया है. आई आई आई, मेरा परिवार जो रह गया है वो मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए, दिस इज माई फैमिली. और ये है एनिवर्सरी जो कि 22 फेब को होती है. रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे. ये मेरे एक फैन ने भेजा था मेरे लिए, जिसे बहुत संभाल कर रखा है मैंने, और ये उनका प्यार है. सो थैंक्स, थैंक्स टू थाई फैंस. ये जब मैंने पहली बार अपने पैसों से कार ली थी, दैट्स फर्स्ट कार ऑफ माय लाइफ. ये है मेरे दो छोटे प्यारे से बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं. This is also gifted. तो ये सारी चीज़ें जो मुझे प्यार से मिली है उसका मैं स्वागत करती हूँ. ये वो दिन है जिस दिन आपकी भाभो की शादी हुई थी, 17 years. बेटा 16 का है, 17 years. एक साथ रह रहे हैं, आप लोग जानते होंगे क्या बीतती है लोगों पर. सबको ये लड्डू खाने पड़ते हैं और ये लड्डू भुगतने पड़ते हैं, बट आई थिंक खा के भुगतने में ज़्यादा मज़ा आता है. और कुछ नहीं, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात है. जैसे भाभो को संध्या बीनणी एडजस्ट करनी पड़ी और संध्या बीनणी को भाभो को एडजस्ट करना पड़ा, तो बेचारा सूरज तो पिसता ही था ना दोनों जगह. माँ खींचती थी, बीवी खींचती थी, ऐसे ही परिवार चलता है. वैकेशन मूड.
ये मेरी छोटी टैडी है जो ये टैडी के साथ खेलती है। इसका नाम है जेरी और इसका नाम है बेरी। दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते रहते हैं। मैं इसके लिए झगड़ा करती हूँ और भाई इसके लिए। कितनी क्यूट है ना। इससे अगर इसका अच्छा है ना तो भैया बोलता नहीं इसका अच्छा। कैसे? वैसे भी भाई बहन का हमेशा झगड़ा चलता रहता है और आई थिंक ये झगड़ा चलने में ही मजा है, यही प्यार है। और आई थिंक लोग ये चीज़ को समझते कह रहे यार हमारे घर में झगड़े हो रहे, ये हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ प्यार है वहीं झगड़े हैं। मेरे थाई फैंस ने एक भाभो बना के मुझे गिफ्ट दी है, जस्ट लाइक मोम के जो पुतले बनते हैं बड़े बड़े स्टार्स के। तो आई दिस इज़ द वेरी गुड गिफ्ट एंड आई एम रियली वेरी प्राउड कि भाभो को इतना आइकॉन बनाना और यहाँ तक पहुँचाया। सी संतोष राठी दिया बाती थाई फैंस, आई लव यू ऑल रियली। अब जो मुझे दिया और बाती हम तू सूरज मैं सांझ पिया जी की बदौलत ट्रॉफीज़ जो मिली है, इस बार भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है। ये वो सम्मान है जो फैंस ने, जो स्टापलर्स ने और शशि सुमित प्रोडक्शन ने मुझे दिलाए हैं। और मेरे फैंस उन सब का प्यार है। ये अंदर बेडरूम में भी है, बहुत सारी ट्रॉफीज़ है तो जगह कम पड़ रही थी। हाँ कुछ यहाँ भी है। एक्चुअली टचवुड बहुत प्यार दिया लोगों ने। वैसे नीलू जी के घर में खास है उनका ये बाथरूम जिसके दरवाजे पे और उनकी फोटो लगी हुई है। और हाँ इनके बाथरूम में म्यूजिक भी बजता है, तो देखे नीलू वघेला का अनोखा बाथरूम। एक और जगह भाभो है जो कि एकदम कड़क है, वो याद दिलाती है परिवार को कि आप लोगों को बाथरूम में नहाने भी जाना है। यर इट इज साथ में भाभो के साथ भाभो। सो बच्चा परिवार याद करता है, हैव टू गो, या यू कैन कम। यहाँ भी ढंग से है, ऐसा नहीं है, तरीका है यार। वैकेशन मूड इसका मतलब ये नहीं है एवरीथिंग इज डन। वैसे पिछले 17 सालों से नीलू वाघेला मैरिड है अरविंद वाघेला के साथ और आजकल इनके पियाजी हैदराबाद में अपनी फिल्म के चक्कर में बिजी हैं। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, देखिए वीडियो कॉल पर कैसे नीलू अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं और यहाँ तक कि इनके बच्चे भी अपने पापा से कैसे बातें कर रहे हैं। तो ऐसी है भाभो की हैप्पी फैमिली। भाई चूंकि नीलू वाघेला आज पूरा दिन सास बहू और बेटिया के साथ बिताने वाली है तो कुछ स्पेशल किया जाए। भाई मॉनसून का मौसम है तो निकलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर फैमिली के लिए बहुत कुछ है। क्यों भाभो? अब हम चलते हैं वैकेशन, एक और वैकेशन वहाँ पे मस्ती करने के लिए। भाई भाभो ने पतिदेव से बातें की, अपने डॉगी के साथ मस्ती की और अब वक्त है निकलने का। इसलिए उठाया उन्होंने अपना बैग, घर को लॉक किया और निकल पड़ी सास बहू और बेटिया के साथ क्लब एक्वेरिया की ओर, जहां पर फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए भाभो के साथ निकल पड़ते हैं इस सफर पर और हम सवार हो लिए भाभो की गाड़ी में।